बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं आपको ट्यूशनल पब्लिक स्कूल व इंटर कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम मुदसरा अकबर है। मैं अदारा हाजा में उर्दू की मौलिमा हूँ। आज हम नज़्म हम्द के मशकी सवालात करेंगे। इसके चंद तदरीसी मकासद ये हैं। नंबर एक, तलबा खुदा की अता करदा नेमतों को जान सकें। नंबर दो, तलबा सवालात के जवाबात देने के काबिल हो सकें। नंबर तीन, नज़्म के अशार को जहन में रखते हुए खाली जगह पुर करने के काबिल हो सकें। नंबर चार, तलबा को मुतरादिफ अल्फाज के बारे में बताना। तलबा और तालबात, गुज़श्ता लेक्चर में आप नज़्म हम की खुशखवानी के बाद उसके अशार का मफहूम जान चुके हैं। आज हम नज़्म हम की मश्क करेंगे। बेटा, आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 3 को खोलिए और इस पर मौजूद मश्की सवालात देखिए। सवाल नंबर 1 उसका ये है कि दरअसल सवालों के जवाब दें। आइए बेटा, अब हम सवालों के जवाब देखते हैं। नज़्म को मद्देनजर रखते हुए हम जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, हम्द किसे कहते हैं? जवाब, हम्द से मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, हम्द कहलाती है। सवाल नंबर 2, इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? जवाब, इस हम्द में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र हुआ है। मैदानों सहरा, बलखाते दरिया, सुहाने मौसम, बाहात में फूलों की रंगीन कितारें, सूरज चांद सितारे, कोयल के तराने वगैरह। इसके अलावा खुदा का तमाम मखलूक को रिज़्क देना और मखलूक को खौफ हिरास के वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और मखलूक की रहनुमाई के लिए खैर व शर की वजाहत करना। सवाल नंबर 3, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या रहता होता? जवाब, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो इंसानी तबीयत इस इंसानियत से उकता जाती, इंसानी जिंदगी बेरंग और बेकैफ होती और इंसान को सारा साल एक जैसा फल और एक जैसी सब्जियां खाने को मिलती। जैसा कि मिस्र मशहूर है, कुल्लू जदीदिन लजीजुन, हर नई चीज लजीज और मजेदार होती है। इसलिए अल्लाह ताला को इंसानी फितरत पता थी तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा की। सवाल नंबर 4, सूरज से हमें क्या फायदे पहुंचते हैं? सूरज से हमें बेशुमार फायदे मिलते हैं। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जरिया है और सूरज की वजह से ही फसलें पककर तैयार होती हैं। नंबर 5, स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? जवाब, स्याही के पर्दे उठाने से शायर की मुराद ये है कि अल्लाह ताला रात की तारीकी को सूरज की किरणों के जरिए दूर करता है और इसका एक और मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर की तमीज करना सिखाई ताकि वो राह रास्त पर चले। नंबर 6, आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? जवाब, आसमान पर चमकते सितारे हम सबको बहुत भले लगते हैं। यूं लगता है जैसे रात के वक्त अल्लाह ताला ने आसमान पर स्याह चादर तन दी है और उस पर मुख्तलिफ नगीने जड़ दिए हैं। सवाल नंबर 2, मलाइजा फरमाइए, सूरह फातिहा की वो आयत और इसका तर्जमा लिखें जिसमें अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। बेटा, मैं ये आपको वो आयत सुनाती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. हमको सीधे रास्ते चला. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल व करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के. आमीन. बेटा वो ये आयात है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें सीधे रास्ते पर चलने और भटकने वाले रास्ते से बचने की दुआ की तलकीन फरमाई है. सवाल नंबर 3 हम करेंगे. कालम अलिफ में दिए गए हर मिसरा का दूसरा मिसरा कालम बे में तलाश करें. नंबर 1, ये मैदानों सहरा बनाए हैं किसने. इसका दूसरा मिसरा ये है, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने. नंबर 2, ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें बखेरी हैं किसने, चमन में बहारें. ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने. सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शाम में जो दिल को हमारे. हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और खतरों से किसने बचाया. हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रास्तों से किसने बचाया. बेटा आपने ये देखा होगा, एक मिसरा शेर नहीं कहलाता, जब दो मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है. अब आप सवाल नंबर 4 देखिए. कालम अलफ में दिए गए अल्फाज के हम मानी अल्फाज कालम बे में दिए गए हैं. आपने दी गई मिसाल की रोशनी में हर लफ्ज के सामने इसका दुरुस्त हम मानी लफ्ज लिखना है. तो बेटा हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज भी कहा जाता है.
अब हम देखते हैं हमानी अल्फाज, सहरा रेगिस्तान, गुलशन बाग, फूल गुल, चांद महताब, सूरज आफताब, सितारे नुजूम, फलक आसमान, हिरास डर। अब बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हम्द की मश्क समझ आ गई होगी। अब आपने घर में के लिए ये काम करना है, एक पैराग्राफ में उन नेमतों का जिक्र कीजिए जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं। अल्लाह हाफिज।